हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रभा लॉ क्लासेस। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 17, जो कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसमें हम सबसे फर्स्ट ऑफेंस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो थेफ्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 ऑफ IPC। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. जब कोई व्यक्ति intending to take dishonest बेमानी पूर्वक आशय रखते हुए any movable property किसी चल संपत्ति को out of the possession of that person किसी व्यक्ति के possession में से without That person consent, उस person की सम्मति के बिना, consent के बिना, moves that property, उस संपत्ति को हटाता है, in order to such taking, इस तरह के लिए गए क्रम को क्या कहा जाएगा? Theft कहा जाएगा। हिंदी में अगर बात करें, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अकॉर्डिंग, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, उसकी सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेमानी से लेने का आशय रखते हुए, यानी कि बेमानी पूर्वक आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, तो वह चोरी करना कहा जाता है। सेक्शन 378 में चोरी की डेफिनेशन के साथ साथ उसमें 5 एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जिसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट It becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. कोई वस्तु जब तक पृथ्वी से जुड़ी हुई है, attached to the earth, चल संपत्ति नहीं है, not being a movable property, तब तक वह चोरी का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो subject matter है theft का, वो है आपकी movable property, चल संपत्ति। लेकिन पृथ्वी से अलग होते ही वह चोरी का विषय बनने में सक्षम हो जाती है। बट बिकम्स कैपेबल, कैपेबल हो जाती है कब? जब द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज सेवर फ्रॉम द, जैसे ही वह पृथ्वी से अलग हो जाती है, वो चल संपत्ति हो जाती है, और चल संपत्ति बनते के साथ ही क्या सब्जेक्ट मैटर हो जाएगी? थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इसी को ही एक्सप्लेन करता है कि हटाना, अ मूविंग इफेक्टेड बाई द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सिवियर मे बी अ थेफ्ट, कि जो हटाना है, मूविंग है, जो उस कार्य द्वारा किया गया है जिससे प्रतिकरण किया गया है, यानी कि हटाना कब माना जाएगा? हटाना उससे माना जाएगा जिस कार्य के द्वारा उस प्रॉपर्टी को उससे अलग किया है। एक्सप्लेनेशन थर्ड कहता है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actual moving it. Means कोई व्यक्ति किसी वस्तु को हटाता है तो कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जिस चीज जो चीज उस वस्तु को रोके हुए है, यानी कि हटाना, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को हटा रहा है कहाँ पर कहा जाएगा? अगर उस वस्तु को किसी वस्तु ने सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और वो उस वस्तु को वहां से जाने से, हिलने से, मूव होने से रोक रही है, ठीक है, ऐसी ऑब्स्टेकल, तो जैसे ही वो ऐसी ऑब्स्टेकल को रिमूव करता है, ऐसी बाधा को हटाता है, तो वहां पर कहा जाता है कि वह वस्तु को क्या करता है? मूव करता है, हटाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दूं कि अगर कोई नाव अगर किसी बैंक ऑफ द रिवर खड़ी हुई है, तो वो क्या होता है, किसी रस्सियों, कुछ रस्सियों से बंधी हुई होती है, तो जैसे ही कोई पर्सन उन रस्सियों को खोलता है किसी रॉन्ग इंटेंशन से, तो जैसे ही वो उन रस्सियों को हटाता है, खोल देता है, यानी कि उस जो बाधा लगी हुई है उसे मूव करने से रोक रही है, जैसे ही वो उसको हटा देता है, तो कहा जाता है कि उसने उस वस्तु को हटा दिया है, कि जैसे ही वो नाव रस्सियों से खुल के मूव कर जाएगी,
हट जाएगी वहां से, उन ऑब्स्टेकल से, तो वो कह दिया जाएगा कि नाउ अब हट चुकी है। फोर्थ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन कहता है आपका, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। अगर कोई पर्सन बाय एनी मीन्स या इन्हीं साधनों द्वारा किसी जीव जंतु यानी कि एनिमल को, तो वहां यह कहा जाता है कि वो उस जीव जंतु यानी कि उस एनिमल को मूव कर रहा है। अब ये आगे क्या कह रहा है कि, और यह कहा जाता है कि वह हर एक चीज को हटाता है, मूव एवरीथिंग, जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई गई है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन। अगर जीव जंतु को हटाता है तो जीव जंतु को तो वो हटा ही रहा है। अब मान लीजिए कि उस जीव जंतु के ऊपर कोई गुड्स जो है लोडेड है, ठीक है, तो वो साथ में ये कहा जाएगा कि उसने जीव जंतु को ही नहीं हटाया है बल्कि उसको हटाने की गति से जो परिणाम स्वरूप जो चीजें उसके ऊपर लोडेड थी उसने उनको भी हटाया है। किसी का घोड़ा है या खच्चर है, अगर उसके ऊपर जो गुड्स है अगर वो लोडेड है और अगर कोई पर्सन उसको वहां से जो है एनिमल है उसको वहां से हटा देता है, तो वो ये नहीं कहे उसे ये केवल यही नहीं कहा जाएगा कि उसने सिर्फ उस एनिमल को हटाया, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी उस पर लोडेड थी उसने उसको भी हटाया है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 5, द कंसेप्ट मेंशन इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजिशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मीन्स जो डेफिनेशन में कंसेंट वर्ड यूज किया गया है उस कंसेंट के अंदर अभिव्यक्त और विवक्षित एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दोनों आती हैं, और वो कंसेंट किसके द्वारा दी गई होनी चाहिए, वह वस्तु जिसे चोरी की सब्जेक्ट मैटर बनाया गया है वह उससे संबंधित जो कंसेंट है उसका पजेशन रखने वाले पर्सन के द्वारा दी गई हो कंसेंट, या फिर अगर जिसने पजेशन रखा हुआ है उसने किसी अदर पर्सन को किसी पर्पस के लिए ऑथराइज्ड किया हुआ है उस प्रॉपर्टी का पजेशन उसके रिगार्डिंग कोई एक्ट, तो वहां पर अगर वो पर्सन जिसे ऑथराइज्ड किया गया है अगर वो कंसेंट देता है तो वहां पर भी वो चोरी के अंतर्गत काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट यानी कि एसेंशियल ऑफ थेफ्ट, जिसमें फर्स्ट है देयर मस्ट बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू टेक द प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज कि जो पर्सन प्रॉपर्टी लेकर जा रहा है उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि बेमानी पूर्वक आशय होना चाहिए। द सेकेंड रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव की जा रही है प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए। द थर्ड इज सच मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे, वो प्रॉपर्टी वहां से हटा दी जानी चाहिए, हटा दी गई हो। द फोर्थ इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, मस्ट बी टेकन अवे किसके कहां से हटाई जाएगी, पोजीशन में से ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के कब्जे में से हटाई जानी चाहिए। एंड द लास्ट इज सच प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे विदाउट कंसेंट, यानी कि जिस पर्सन के पोजीशन में से वो प्रॉपर्टी हटाई जा रही है उस पर्सन की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर्सन की कंसेंट होगी तो नॉर्मल सी बात है वो थेफ्ट नहीं होगा। तो चोरी का अपराध होने के लिए 5 एसेंशियल इज मस्ट। द फर्स्ट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेमानी पूर्वक आशय होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति होनी चाहिए, मस्ट बी टेकन अवे हटाई ली जानी चाहिए। द फोर्थ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, किसके कहाँ से हटाई जानी चाहिए, किसी व्यक्ति के कब्जे में से हटानी चाहिए, पोजीशन में से हटानी चाहिए। एंड द फिफ्थ इज विदाउट द कंसेंट, और उस पर्सन के जिस पर्सन की कंसेंट पोजीशन से वो प्रॉपर्टी ली गई है उसकी कंसेंट के बिना के जाना चाहिए। अगर इन पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो थेफ्ट के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। आगे अगर हम एक्सप्लेन इसको करके पढ़ें तो द फर्स्ट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक अवे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैलाफाइड इंटेंशन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेंसरिया। द पिटिशन मस्ट प्रूव दैट अ थिंग वाज टेकन अवे विद द
dishonest intention. However, intention is a mental element which is difficult to prove, but circumstances evidence are considered for this purpose. The main measurement of dishonest intention is to make a wrongful loss or to another person. Then such act is considered to be done with dishonest intention. Dishonest intention is called malafide intention. Malafide yani ki durbhavna purvak aashay, which can be represented in the form of mens rea, doshpurn aashay ko represent karti hai. यहाँ पे पिटीशन को प्रूफ करना होता है कि जो थिंग यानी कि जो वस्तु है वो ली गई है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ली गई है. नॉर्मल सी बात है, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है आपका जो एलिमेंट है मेंटल एलिमेंट है वो डिफिकल्ट होता है प्रूफ करने. लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस है परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं उनको इस पर्पस के लिए कंसीडर किया जाता है. द मेन मेजरमेंट ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज टू टेक अ रॉन्गफुल लॉस ऑफ अनदर पर्सन. यानी कि वो क्या है, रॉन्गफुल लॉस क्रिएट करना चाह रहा है तो किसी अदर पर्सन को एक मेजरमेंट की तरह काउंट किया जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए. देन सच एक्ट इज कंसीडर टू बी डन बाय डिसऑनेस्ट. अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि उसका इंटेंशन क्या है रॉन्गफुल लॉस क्रिएट करने का ऑफ दैट पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा कि उसका इंटेंशन क्या था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था. इसमें एक केस है हमारा प्यारे लाल भार्गवा वर्सेस स्टेट AII 1963. इन दिस केस अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुक्स अ फाइल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस प्रेजेंटेड इट टू बी एंड बॉट इट बैक टू द ऑफिस आफ्टर टू डेज. इट वॉज हेल्ड दैट परमानेंट टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड. इवन अ टेम्पररी मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज इनफ एंड दस दिस वॉज थेफ्ट. इस केस में ये कहा गया कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एक फाइल ली ऑफिस से और वो किसे दे दी, बी को. उसका इंटेंशन क्या था कि वो आफ्टर टू डेज वापिस क्या कर देगा, वहीं पर रख देगा, ऑफिस में ले जाकर के रख देगा. तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया, इसमें ये कहा गया कि परमानेंट टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड. कि चोरी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसे परमानेंट अपने पास रख रहे हो, ठीक है, परमानेंट के लिए हटा रहे हो. इवन अ टेम्पररी मूवमेंट, अगर आपने कुछ समय के लिए भी उस प्रॉपर्टी को वहां से हटाया है और आपका इंटेंशन क्या था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, तो यही इनफ है और इस तरह का किया गया कार्य आपका थेफ्ट के अंतर्गत काउंट होगा. द नेक्स्ट केस इज मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1980 SCC. इन दिस केस द एक्यूज्ड हैड स्नेच्ड द रिवॉल्वर फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द कंप्लेनेंट्स पार्टी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर ब्लडशेड. Thereafter, he surrendered the revolver to the police at the earliest. Under the circumstances, it was held that the accused had no intention to commit suicide. यहाँ पर जो accused था, उसने जो खून खराबा वहाँ चल रहा था, उसे बचने के लिए जो complainant है, उसके ही party के एक member से जो है revolver चुरा ली और बाद में उसने तुरंत ही वो police officers को surrender कर दी. परिस्थितियों के अनुसार कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्यूज्ड जो है उसका इंटेंशन नहीं था सुसाइड कमिट करने का, इसलिए वो थेफ्ट के अंतर्गत नहीं आएगा. द नेक्स्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्टोलन. अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच इज एबल टू मूव इजिली और विच इज नॉट इमूवेबल. It means the thing permanently attached to the earth is movable property, is not the subject of theft. It becomes capable of being the subject of theft when it is away from the earth. इसमें कहा गया है कि जो subject है theft का वो movable property है, जो विषय वस्तु है. Movable property, जो immovable property है, अचल संपत्ति है, उसकी चोरी नहीं की जा सकती. एक movable property, एक मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एबल होती है, जिसे इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके और विच इज नॉट इमूवेबल, और जो अचल ना हो, यानी कि जिसको जो ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जो एक जगह फिक्स्ड हो. इट मीन द थिंग परमानेंटली अटैच टू द अर्थ इज इमूवेबल.
इसका मतलब ये है कि जो ऐसी वस्तु है जो परमानेंटली अर्थ से अटैच्ड है, जमीन से, भूमि से संलग्न है, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, वो जो थेफ्ट है उसकी विषय वस्तु नहीं होगी। इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट व्हेन इट सेवर फ्रॉम द, लेकिन वो कैपेबल हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थेफ्ट के, कब, जब वो हो उस भूमि से अर्थ से अलग कर दी गई हो। इस पर केस आपका आता है स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस संजय, हेल्ड दैट द डिसऑनेस्ट रिमूविंग ऑफ सैंड ग्रेवल एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम द रिवर विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द स्टेट पोजेशन विदाउट द कंसेंट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, कि अगर कोई पर्सन नदी से जो कि स्टेट की प्रॉपर्टी है उसमें से मिनरल्स, रेत या कंकड़ पत्थर निकालता है किस लिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, बिना स्टेट की कंसेंट के, विदाउट द कंसेंट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, चोरी के अपराध के अंतर्गत आएगा। बी टेकन अवे आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव, देयर इज नो थेफ्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और फिश वाइल्ड एट अ लार्ज, बट देयर इज अ थेफ्ट ऑफ टेम्ड एनिमल्स। चोरी के लिए चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी पर्सन के पोजेशन में होनी चाहिए, इसलिए जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनकी चोरी नहीं होती है। थेफ्ट एनिमल इज नॉट कंसीडर्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, बट देयर इज अ थेफ्ट ऑफ टेम्ड एनिमल, लेकिन जो पालतू पशु होते हैं उनकी चोरी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो पोजेशन में होते हैं अपने मालिक के। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। इसमें ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द रोड विच वॉज इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाई टेकिंग इट कमिट नो थेफ्ट, तो ही मे कमिट क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर ए नामक व्यक्ति को एक अंगूठी रोड पर पड़ी हुई पाई जाती है जिसका कभी कोई ना कोई किसी ना किसी का पोजेशन हुआ था या था किसी के पोजेशन। बाई टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, अगर वो उसको उठा लेता है तो वहां वो चोरी नहीं करता है, तो ही मे कमिट क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन वहां पर वो क्या करता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का दुर्विनियोग। दिस इज सेक्शन 403 में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट इज इट शुड बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, द कंसेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर ऑफ द पर्सन ऑफ द पोजिशन और बाई एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेम वही जो हमारी एक्सप्लेनेशन कौन सी बता रही थी, एक्सप्लेनेशन 5 जो हमें बता रही थी कंसेंट क्या होती है। तो कंसेंट इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, जिस पर्सन के पोजिशन में प्रॉपर्टी है उसकी कंसेंट हो सकती है, और जिसने उस पर्सन ने अगर किसी अदर पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है, अगर वो पर्सन ने कंसेंट दे रहा है, उसकी कंसेंट दी जा रही है, तो वो क्या होनी चाहिए, होगी आपकी अगर कंसेंट से दिया गया है तो वो थेफ्ट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, अदरवाइज अगर कंसेंट नहीं है तो वो थेफ्ट के अंतर्गत काउंट होगा। नाउ हियर आर सम प्रॉब्लम रिलेटिंग टू थेफ्ट। हमने कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, आप इनके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस प्रॉब्लम में जो चोरी का अपराध है वो कमिट किया जा रहा है और किस में नहीं। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, ए के जेड से फ्रेंडली टर्म्स हैं। ए गोज इन टू जेड लाइब्रेरी, वो जेड की लाइब्रेरी में जाता है इन जेड एब्सेंस, जेड की अनुपस्थिति में, जब जेड वहां पर उपस्थित नहीं है। एंड टेक्स अवे अ बुक, और एक पुस्तक वहां से ले लेता है विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट, बिना जेड की अभिव्यक्त जो सम्मति है उसके बिना, और फॉर द पर्पस ऑफ मेयरली रीडिंग इट, और पर्पस क्या है उसका,
पर्पस है केवल उसको पुस्तक को पढ़ने का, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। और इंटेंशन क्या है उसकी, कि वो पढ़ने के बाद उसको रिटर्न कर देगा। हियर इट इज पोर्टेबल, यहाँ पे माना जा रहा है कि अगर ये माना जा रहा है कि ए मे हैव कंसीव दैट ए दैट ही हैज जेड्स एम्प्लाइड कंसेंट टू यूज जेड्स बुक, अगर यहाँ पर ए को जो विवक्षित सम्मति होती है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर इम्प्लाइड जो आपकी कंसेंट है उसे प्राप्त है, अगर उसे ये लगता है, तो यहाँ पे आप ये बताइएगा कि ए ने थेफ्ट कमिट किया है या नहीं किया है, उसने चोरी की है या नहीं की है। सेकेंड इज ए आस्क्स चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ, ए जेड की वाइफ से कुछ मांगता है दान में। शी गिव्स ए मनी, वह जो जेड की वाइफ है वह ए को मनी देती है, कुछ पैसे दे देती है, फूड दे देती है एंड क्लोथ्स दे देती है। विच ए टू बी बिलोंग टू जेड्स हर हस्बैंड, जिसे कि ए जानता है कि वह जो मनी है, मतलब धन है, फूड है और जो क्लोथ है वो जेड के हैं। हियर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे कंसीव दैट जेड्स वाइफ इज ऑथराइज टू गिव अवे एप्स, यहाँ पर अगर जेड को ये पता है कि जो जेड की वाइफ है उसे अथॉरिटी है जेड के जो फूड है, मनी है, क्लोथ्स है, उनको किसी और को देने के लिए, तो यहाँ पे ये बताइए कि क्या ए ने चोरी की है या नहीं की है। द लास्ट इज ए सी अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड्स लाइंग ऑन द टेबल इन जेड्स हाउस, ए एक अंगूठी देखता है जेड की जो कि टेबल पर पड़ी हुई है जेड के घर में। ए हाइड्स द रिंग इन प्लेस where it is highly probable that it will never be found by Z. A जो है उस अंगूठी को एक ऐसे स्थान पर छुपा देता है जहां पर वो Z को कभी भी नहीं मिलेगी। With the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgiven. इंटेंशन क्या है कि वो उस रिंग को बाद में वहां से, जहां जिस छुपे हुए स्थान में उसने छुपाई हुई है वो रिंग, वो बाद में वहां से उठा के ले जाएगा, उसको बेच देगा। कब? जब जेड भूल जाएगा कि ऐसी कोई अंगूठी मेरे पास भी थी। तो यहाँ पे ये बताइए कि क्या ए ने चोरी का अपराध किया है या नहीं किया है। एंड दैट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम ज्यूरिसप्रूडेंस की सीरीज पे वर्क कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस से ही रिलेटेड होगा। और अगर किसी और टॉपिक्स पे रिलेटेड अगर आपको किसी को वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस।